बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे क्या हो रहा है। क्या पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे कुछ बड़ा होने जा रहा है या खुदा न खास्ता कोई मिसहैप होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। यहाँ तक कि जुडिशरी में बैठे जजेस भी, उनको भी इस चीज़ कुछ ख़बरें आ रही हैं कि उनको भी कुछ खदशात हैं, उनको भी कुछ तहफ़ुज़ात हैं, उनको भी कोई ख़तरा है कि कुछ कहीं गड़बड़ न हो जाए। ये क्या हो रहा है, इस सब पे बहुत ही तफसील के साथ बात करेंगे। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे पानी प्रोजेक्ट्स और कुर्बानी प्रोजेक्ट्स, दो चांद नज़र आ गया है ज़िलहज का और कुर्बानी में आपको 9 दिन बाकी रह गए हैं। आज यकम ज़िलहज है, तो भाई जिसने भी ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ कुर्बानी करनी है वो जल्दी से रब्ता करे। और साथ पानी प्रोजेक्ट यानी वाटर प्रोजेक्ट्स भी, वो बहुत ज़्यादा गर्मी है उन इलाकों में, वो चल रहे हैं और वाटर प्रोजेक्ट ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। कल कुछ दोस्तों ने कहा कि जी आपने ज़िक्र किया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सेल का, जो जेल में उनका सेल था, तो वो भी आप दिखा दें। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी वो मौजूद था। खैर, ये देख लीजिए, ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का सेल है। ये पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड वज़ीर आज़म का सेल है। ये 6x6 का तकरीबन सेल है, ठीक है ना। और ये सेल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इसमें कैद रहे, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान का पहला आइनी वज़ीर आज़म, पहला मुंतखब वज़ीर आज़म, और जो जब से जो पाकिस्तान का 1973 का आइन बना, तो पाकिस्तान का पहला मुंतखब वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वो बंदा जिसने पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम दिया, जिसने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, ये उसका। और एक भोंडे से मुकदमे में उनको कैद किया गया और ये उनका सेल, ये होता है खान साहब डेथ सेल, इसको डेथ सेल बोलते हैं। 8-8 बैरकों पर मुश्तमिल डेथ सेल नहीं होता। आप चीते की तरह दौड़ रहे हैं वहाँ पर, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और 8-8 बैरकों पर मुश्तमिल आपकी वो पूरी लॉबी है, आप उसको डेथ सेल बोल रहे हैं। वहाँ किताबें पड़ी हैं, वहाँ पर आपका एयर कूलर पड़ा है, वहाँ पर आपकी एक्सरसाइज मशीनें पड़ी हैं 10-10 लाख की, जो कि हमारे कौमी ख़जाने से ख़रीदी गई, और इतना बड़ा आपका सेल है और आप उसको डेथ सेल कह रहे हैं। और वहाँ पर आपके पास जो मुलाकात के वो तांते बंधे हुए हैं, चाहे वो वकला हों, चाहे आपकी बहनें हों, चाहे दूसरे रिश्तेदार हों, चाहे कोई दोस्त हों, चाहे पार्टी अरकान हों, अब ये हालात हैं। और आपके रोज़ाना के हिसाब से बाहर बयान आ रहे हैं। अब कल भी एक बयान आया, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वज़ीर आज़म साहब आजकल हैं चाइना के दौरे पर, चीन के दौरे पर हैं। ये वीडियो आई अचानक कल, ये वीडियो या तो वहाँ उस जगह पर, या तो ये चीन लीक कर सकता है, या ये पाकिस्तान का वज़ारत ख़ारजा लीक कर सकती है, यानी कि पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी रियासत। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये वीडियो वहाँ की बनी हुई को और लीक करे। इस वीडियो के लीक होने में या इस वीडियो के आने में बहुत सारे, कुछ लोग तो छलांगे भी लगा रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यूथियों को एक पैगाम भी है। खैर, ये वीडियो क्यों लीक हुई अचानक ही, क्योंकि बहुत कुछ लोगों को पता था कि आर्मी चीफ साहब साथ हैं, लेकिन आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म के साथ ये वीडियो का लीक होना और इस वीडियो का लीक कराया जाना, इसमें बहुत बड़े कुछ मैसेजेस भी हैं इसमें। दूसरी बात यह है कि चाइना को यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उनके लोग मारे जा रहे हैं। 5 सालों में को तकरीबन 20 लोग उनके मारे गए हैं। अभी जो रिसेंटली 6 इंजीनियर भी उनके मारे गए, तो पाकिस्तान के से उनको कुछ ये तहफ़ुज़ात थे जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अब सिक्योरिटी इश्यूज की जो सबसे बड़ी ज़मानत है वो आर्मी चीफ़ दे सकता है, आर्मी चीफ़ के अलावा दे ही कौन सकता है सिक्योरिटी इशू की ज़मानत। तो वो आर्मी चीफ़ एक तरह से वो साथ हैं, आर्मी चीफ़ गए हैं और आर्मी चीफ़ ने बताया है कि जनाब बात ये है कि ये इस तरीके से आपको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने सिक्योरिटी को रिविज़िट किया है, वगैरह वगैरह। एक बात
दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ की ये वीडियो बता रही है कि वो पूरी तरह पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट, कंट्रोल टावर पूरी तरह इस हुकूमत के साथ खड़ा है। ठीक हो गया। तीसरी बात यह है कि ये खबरें आ रही हैं कि जनाब अब सीपैक फिर से पूरे ज़ोर शोर से शुरू हो रहा है, उसका आप दूसरा मरला कह रहे हैं, आप उसको CPAC 2 कह दें, आप उसको कोई भी नाम दे दें, वो कह रहे हैं जी पूरे ज़ोर शोर से वो शुरू हो रहा है वो CPAC। और अब ये आपको पता है जब ये CPAC पूरे ज़ोर शोर से शुरू होगा तो ये चीज़ें फिर आपको पता है वो अमेरिका को तो कबूल नहीं है, अमेरिका को तो मंजूर नहीं है, वो तो फिर डेफिनेटली उस चीज़ के लिए आपको बैकलैश के लिए भी तैयार होना चाहिए, इसके हंगामा आरई के लिए भी आपको, और हंगामा खेजी के लिए भी, और इंतशार के लिए भी, और दहशतगर्दी के लिए भी, और तमाम चीज़ों के लिए कौम को तैयार रहना चाहिए। ज़ाहिर है जब आप CPAC पे जाते हैं तो फिर आप यूँ समझ लें कि अमेरिका की दुखती रग पे आप हाथ रखते हैं, और जब फिर जब वहाँ ये करते हैं, हालांकि चाइना के अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ बहुत अच्छे रवाबित हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन से पहले पाकिस्तान के वज़ारत दाखला के एक बहुत ही अहम वफद का दौरा हुआ अफ़गानिस्तान का, और वहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस की गईं, और ज़ाहिर है वहाँ पर इसी CPAC की सिक्योरिटी और चाइनीज़ पर हमले और ये TTP के हमले और इन हमलों से मुतल्लिक कुछ बातें की गईं, और ख़ुद चाइना ने भी राबता किया तालिबान से, चूँकि तालिबान के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और चीन वो वाहिद मुल्क है कि जिसने बाकायदा तस्लीम किया हुआ है तालिबान की हुकूमत को, हालांकि और किसी ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन चाइना ने तस्लीम किया है तालिबान की हुकूमत को। तो चाइना वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है अफ़गानिस्तान में, तो उनके तो अपने बहुत अच्छे मरासम हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि TTP की बागें कौन हिला रहा है? ये तो फिर कोई और हिला रहा है जब वो हमले करते हैं चाइनीज पर, और फिर वो उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ भी है सारी सूरत हाल के जी, ये जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं ये भी, और ये जो दूसरा CPAC का शुरू होने जा रहा है मरहला, तो इसका मतलब ये है कि ये मरहला भी बहुत अहम है। फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने यह भी पैगाम दिया है कि हम तो हर सूरत में CPAC को शुरू कराएंगे, जिसको इमरान खान ने दफन किया था। मैं वैसे नहीं कह रहा, ये खुद इमरान खान के अपने मुशीर रहे हैं, खुद इमरान खान के अपने जो है ना यहाँ पर अपना रहे हैं, साथ मुआमिनीन खसूसी रहे हैं, तो वो खुद इसके बारे में बात कर चुके हैं, कुछ लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, और वो लोग कौन हैं? वो लोग इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उनके मुआमिनीन खसूसी, ये आप ज़रा सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं नदीम अफजल चंद, जो मुआवन खसूसी रहे हैं इमरान खान के, वो क्या कह रहे हैं इस वक्त? एक मेरा दोस्त उस कंपनी में, कामरान नामी एक अजीज मेरा एक दोस्त काम करता है, मेरे किसी दोस्त का दोस्त, उसने मुझे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरे CEO की बात मुलाकात करवा दें, वो आए हुए हैं, बड़ी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1 बिलियन और ज्यादा करना चाहते हैं। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात कर दी, तो प्राइम मिनिस्टर का नहीं नहीं अभी नहीं मिलना, उनसे हालात नहीं है ऐसे। अच्छा, चीनियों से नहीं मिला? चीनियों से नहीं मिला। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार एक CEO इतना, वो कह रहे मैं इन्वेस्टमेंट हमारे डिजॉन कंपनी का, यकीन करें मुलाकात नहीं मैं करवा सका। ये चंद चीजें मैं आपको ना, मैं चंद चीजें जो मैं आपको, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये आजाद खारजा पॉलिसी नहीं तो मेरे, अच्छा ये फिर मैं देखे ये मैकेनिज्म। अच्छा फिर मैं अगली एक और मिसाल दूं आपको, ये जो एक हुआ था क्या नाम, DTH की एक नीलामी हुई थी IT सेक्टर में, 3 कंपनीज को मिले थे, उनके NOC रोक दिए गए, यकीन करें मैंने आर्मी चीफ साहब से भी बात की, उनका मैं चेक करवाता हूँ, मैं उधर आया PM ऑफिस में, मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, मैंने कहा जी ये पता चला मुझे कि जी वो एक कंपनी के पीछे चाइनीज है, इसलिए उनको NOC नहीं दिया जा रहा। ये इतना CPAC और इतने इन्वेस्टमेंट, इतना प्रेशर लेते थे छोटी छोटी चीजों का, उनके वीजो में भी बहुत प्रॉब्लम। और फिर मैं हैरान हूँ ये खारजा, आजाद खारजा प्रेशर की बातें, ये मैं वो बातें कर रहा हूँ, ये मेरे चैलेंज है, ये बातें गलत साबित हो जाए मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। खान साहब मुलाकात तक नहीं कर सके उस CEO से,
जिस कंपनी जो चाइना की कंपनी थी उसको लाइसेंस तक नहीं मिला, ये अमेरिका का प्रेशर था। आज वो कहते हैं हमारी हुकूमत हटाई है, अमेरिका ने। ये क्या बदमाशी और ये क्या तमाशा है, आप ख़ुद बताइए कि आप अमेरिका की पूरा काम करते रहे। खुद ऐसे तो नहीं कहा था ट्रंप ने कि पहले वाले तो हमारा काम करते ही नहीं थे, हमारा काम तो किया इमरान खान ने है। ये ट्रंप ने खुद कहा ना जब ये मुलाकात करने के लिए गए तो हमारे वाले तो काम ही नहीं करते थे। ये हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं उनके एक और वज़ीर की, उस वक़्त के और बहुत ही अहम वज़ीर अली जैदी की गवाही, ये ज़रा आप सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको एक पुराना क्लिप सुनवाना चाहता हूँ क्योंकि तहरीक इंसाफ की क्यादत ये कहती है कि उसको अमरीकी साजिश के तहत हुकूमत से निकाला गया है। तो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जो साबिक वफाकी वजीर हैं वो हमारे शो में अमरीका के बारे में क्या कह चुके हैं, जरा सुने। आपका पड़ोसी मुल्क ईरान गैस की पाइपलाइन छोड़ गया बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, हिम्मत नहीं है कि आप अपनी पाइपलाइन लगाए। मैं हिम्मत नहीं, हमें मेरे में इतनी हिम्मत है ना, मैं वफाकी वजीर हूं ना, मैं आपको यहाँ टीवी के ऊपर बैठ के कह रहा हूँ कि हमें इमीडिएटली खोलनी चाहिए। मैं तो लॉबी करूंगा। हम क्यों नहीं खोल रहे? मैं जैसे आप सऊदी अरब से तेल ले रहे हैं, हम क्यों नहीं खोल रहे गैस पाइपलाइन ईरान के साथ? क्योंकि हम अमेरिका के साथ हमारी तजार से डर लगता है हमें। हाँ, मैं तो खुल के तो बहुत अच्छी बात। एक सेकंड हामिद भाई, देखे मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे जी। तो अली जैदी साहब ने हमारे शो में एतराफ किया था ऑन एयर कि हम अमरीका से डरते थे, इसलिए हमने ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का मनसूबा है उसको आगे नहीं बढ़ाया। और मुझे कुछ भी नहीं कहना, और आपको कुछ भी नहीं कहना। लेकिन मीर साहब आजकल आपको बहुत कुछ कहना है। आजकल आप उसी इमरान खान को बड़ा इनकलाबी समझ रहे हैं। आजकल आप उसी इमरान खान को जिसको कल तक आप कह रहे थे कि ये तो अमेरिका से डरते हैं साहब, ये तो जनाब अमेरिका से इस कदर डरते हैं कि ये तो मुलाकातें नहीं करते, ये तो ईरान गैस पाइपलाइन नहीं बिछाते, ये तो ये है, ये तो वो है, और आजकल वो इनकलाबी हैं साहब। क्या होने जा रहा है? मकसद कहने का ये है कि जजेस भी आज इस खदशे का शिकार हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान बार बार जजेस ने भी कहा, उनसे खुद चीफ जस्टिस ने भी कहा कि आप सियासी लोगों से मुलाकातें करें, आप उनसे बात करें, आप पार्लियामेंटेरियन से बात करें। कल उनकी असर ये हुआ इमरान खान पे कि कल गैर रस्मी गुफ्तगू हुई सहाफ़ियों से और ख़ान साहब ने कहा कि नहीं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं तो ताकतवर लोगों से बात करूंगा, मैं आर्मी चीफ से बात करूंगा, मैं बात उनसे करूंगा जिन जो ताकतवर लोग हैं। मैंने तो मुशर्रफ़ के ज़माने में भी, ख़ान साहब कहते हैं, मैंने तो मुशर्रफ़ के ज़माने में भी शौकत अज़ीज़ से बात नहीं की थी, मैंने तो मुशर्रफ़ के ज़माने में भी मुशर्रफ़ के अपने नुमाइंदे से बात की थी। मुशर्रफ़ इसी वजह से तो कह रहे थे, जनरल मुशर्रफ़ इसी वजह से तो कहते थे कि ये हमारे पास आए, इन्होंने, मैंने इनको बुलाया इमरान खान को और मैंने कहा कि जी आपको हम कोई 6-7-8 सीटें दे देते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं 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 जी, मुझे आप 99 सीटें दें। तो फिर मैंने अपने लोगों को बुलाया, मैंने कहा यार वो तो कहता है कि भाई 99 सीट। उन्होंने कहा कि ये 6-7-8 से ज़्यादा ले ही नहीं सकता, तो इनकी हमने दोबारा सर्वे करवाया है। तो वो कहता है, फिर मैंने उनसे बुलाया, मैंने कहा चलो यार कुछ ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन ये 99 वाला चक्कर नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि ये आप इतने नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैं तो 99 ले सकता हूँ। तो फिर हमने इनको छोड़ दिया। वो कहता सिर्फ एक अपनी सीट जीत पाया और वो भी हमने जितवाई, वो भी उन्होंने जितवाई थी। तो मकसद कहने का ये है कि आप तो उस वक़्त भी बूटों में बैठे थे, आप तो शुरू ही से बूटों में बैठने के, आप क्यों कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ से मैं बात करता हूं? सिर्फ इसलिए आर्मी चीफ से आप बात करें ना, उनसे कहें आर्मी चीफ साहब आप सियासत में मुदाखलत ना करें, ना मेरे लिए क्या करें, ना नवाज शरीफ के लिए करें, ये हुई ना बात। आप कहते हैं उनके लिए ना करें सियासत में मुदाखलत, सियासत में मुदाखलत ज़रूर करें लेकिन मेरे हक़ में करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे हक़ में करें, और वो कहते हैं कि जनाब, उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि ये ट्वीट आपकी मर्ज़ी से हुई है, ये कहते हैं इस ट्वीट को तो मैं ओन करता हूँ, ये जो हुई है मुजीबुर्रहमान वाली उनके, लेकिन वीडियो मैंने नहीं देखी। भाई ये कैसे हो सकता है कि आप ट्वीट को ओन करते हैं और वीडियो आपने नहीं देखी? साफ़ी ने कहा कि यही बातें जब नवाज शरीफ करते थे और चंद साल पहले उन्होंने तनकीद भी की इस्टेब्लिशमेंट पर भी, और ये जब नवाज शरीफ बातें करते थे तो उस वक़्त तो आप उसको मुजीबुर्रहमान कहते थे। तो
तो आगे से पता है ना, खान साहब ने जवाब किया दिया, खान साहब ने जवाब ये दिया कि उस वक्त असल में मैंने वो हमूदुररहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। अब आप अंदाज़ा कीजिए, उस वक्त इस बेचारे ने हमूद, ये इतना नहला है कि उस वक्त इनको पता ही कोई नहीं था कि जनाब मुजीबुररहमान कौन था। हमूदुररहमान कमीशन रिपोर्ट पे ही बस सारा इनका इनसार था कि जिसकी वजह से उन्होंने इनके सारे नॉलेज में इजाफा किया और कहा कि जनाब उस वक्त मैंने हमूदुररहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, आज मैंने पढ़ी है। तो इसका मतलब क्या है? आप इनडायरेक्ट ये कहना चाह रहे हैं, उस वक्त नवाज शरीफ भी ठीक कह रहे थे, आप यहाँ माने ना कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माजत करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं कहता हूँ कि उस वक्त नवाज शरीफ ठीक थे और मैं गलत था। तो हिम्मत करें, अखलाक की हिम्मत, इतनी जुरत होनी चाहिए। और ये जो सूरत हाल है, जो जजेस ने भी कहा है कि आप इनसे बात करें, तो वो तो खैर से कहते हैं कि जनाब मैं तो उनसे बात करूँगा, तो आर्मी चीफ से, और वो इनसे बात किसी कीमत पर नहीं करते। और वो उन्होंने ख़ुद पॉलिसी बयान दिया हुआ है डी जी आई एस पी आर ने कि आप सियासी लोगों से बात करें, हमसे कोई बात न करें। तो फिर इसका मतलब तो ये उनकी तरफ से तो ना ही समझें। और अगर यही एक स्टेलमेट की कैफियत रही, यही सूरत हाल, तो खुदा न खास्ता कहीं कोई धमाका ना हो जाए, कहीं कोई गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा। और ख़ान साहब इस इकदाम पर बहुत खुश होंगे, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ख़ान साहब को इक्तसादी तरक्की नहीं चाहिए भाई। आप देखिएगा, जैसे जैसे महंगाई कम होगी, जैसे चाइना की इन्वेस्टमेंट आएगी, सऊदीया की इन्वेस्टमेंट, यूएई की इन्वेस्टमेंट आएगी, पेट्रोल नीचे जाएगा, रोटी की कीमत कम आएगी, खान साहब का तड़पना ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि जब महंगाई कम हो, जब पेट्रोल, अभी पेट्रोल है, पेट्रोल अगर 200 तक आ गया अगले चंद माह में या किसी तरीके से वो ले आए, तो लोग सोचेंगे ना भाई, यार ये 300 वाला पेट्रोल जब वो 200 पे ले आए हैं, रोटी की कीमत आधी हो गई, जब पेट्रोल नीचे आ गया और गैस की कीमत भी अब बहुत कम हो गई है, घी भी कम हो गया है, महंगाई की रेशो भी कम हो गई, अगर ये चीज़ें और एक साल के अंदर अंदर संभलने लग गई, तो फिर तो खान साहब की बहुत ज़्यादा यूँ समझ तशवीश बढ़ जाएगी ना, आप देख लीजिएगा। और मैं ऐसे तो नहीं कहता कि जब तक यूथिया वायरस की वैक्सीन नहीं आती तब तक आप उल्टे भी खड़े हो जाओ, आप इस्तेकाम पैदा नहीं कर सकोगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, कल एक स्टोरी आई उमर चीमा साहब की जंग में, दी न्यूज़ में, कि फायरवॉल जनाब आ रही है और वो जनाब यूट्यूब पे और फेसबुक पे और फलां पे ट्विटर पे और ये वो लगा दी जाएगी और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का बड़ा प्लान है। भाई आप उनको कंट्रोल करें जो फसादी हैं, जो बाकी लोग अपने सोशल मीडिया पे बैठे हैं, अपना नॉलेज के लिए नॉलेज गेन करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, आप उनका गला तो ना घोंटें, आप उनका गला घोंटने के चक्कर में हैं, आप उनका इलाज करें। आप 9 मई वालों का आपसे इलाज हो नहीं सका, 9 मई वालों को आपने किसी मुकदमे में उल्टा, जो 20 लोगों को आपने ईद पे माफ़ी दे दी खैर से, माशाल्लाह इमरान खान 9 मई का सबसे बड़ा सहूलतकार है, वो जब भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जब भी कोई फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस या इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती है, एक एलामिया आ जाता है हम नहीं छोड़ेंगे, और फिर उसके बाद 2-4 जमानतें मंजूर हो जाती हैं। तो ये जो जिद लगी रही ना, ये टसल जो है ना, जो जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल टावर और अदलिया में, तो ये मुझे खदशा है कहीं पे कोई मिसहैप ना हो जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।